गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू आर ऑल फाइन। सो गाइस, टुडे आई एम अगेन कम विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच नेम ही गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू आर ऑल फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। सो गाइस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक। But you know the most scariest thing is in this topic is that students are afraid because इस जो question की है जो exam में बहुत बार question पूछा जा चुका है history of income tax in India के ऊपर, लेकिन इससे जो इसलिए लगता है कि क्योंकि इसकी जो length है ना उसे बनाना मुश्किल हो जाता है बहुत सारे students के लिए। So हमारे जो teachers भी हैं हमें वो ही कहते हैं कि please ज़्यादा से ज़्यादा point इसमें include करना। Book में ये सिर्फ 2 pages का chapter है, और जब आप और YouTube ट्यूटोरियल से जब मैंने सर्च किया, मैंने जब इसके बारे में स्टडी की तो मुझे कुछ खास सेटिस्फेक्शन नहीं मिली क्योंकि वो उसमें भी बहुत बेसिक बातें की थी। लेकिन जब मैंने खुद चैप्टर देख कर स्टडी किया तब मुझे पता चला कि उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बातें लिखी हैं, वो भी केवल 2 pages के अंदर। और मैंने फिर क्या किया, उन 2 pages को निकाल कर जब मैंने खुद नोटबुक पर लिखना शुरू किया तो मेरे 2 पैरों की 2.5 pages की लेंथ बन गई थी, सिर्फ और सिर्फ 2 paragraphs की। और वो 2 paragraphs ये थे जो मैं आपको part 1 में बताने वाली हूँ, जिससे आप 2.5 pages फिल कर सकते हैं आराम से, बड़े ही आराम से। और वो है सिस्टम इन द एशियन टाइम्स एंड सम शॉर्ट पॉइंट इन द मनुस्कृति एंड अर्थशास्त्र। ये क्या है, ये किसके बारे में बात हो रही है? सो गाइज, दिस इज नॉट न्यू थिंग। जो आज के टाइम पर नोन है, जो आज के टाइम पर चलता आ रहा है वही टैक्स सिस्टम है। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। किंग दलीप ने अपनी थ्योरी में भी लिखा है कि जैसे अगर कोई टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो आप लोगों की भलाई के लिए ही उसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, ठीक उसी तरह से जैसे एक जो सन है वो धरती से मॉइस्चर लेता है और रिटर्न उसे 1000-fold में करता है। उसी प्रकार से एशियन टाइम पर भी हमें कई ऐसी थ्योरी, कई ऐसी जो एनालिसिस मिले हैं कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो टैक्स सिस्टम है ना वो पूरे के पूरे वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज होते थे। यस, वो हमें पाई गई थी द 2 topic इंक्लूड, दैट इज मनी स्कृति एंड अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंगली। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्गली और एनी, देन प्लीज थोड़ा सा सजेस्ट कर लेना, आई विल प्रोवाइड सबटाइटल्स। सो यस, रिसर्च उनकी एनालिसिस के बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि पिछले टाइम पर भी टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज तरीके से होता था, और इवन टैक्स लाइड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ पार्टीज हु इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज लाइक एक्टर्स, सिंगर्स, इवन डांसिंग गर्ल्स, द टैक्स लाइड ऑन ऑल ऑफ देम, और वो भी पूरे वेल ऑर्गेनाइज तरीके के साथ। इवन जो कि कुछ पर्सनल सर्विसेज भी रेंडर करता था उसके ऊपर भी टैक्स लागू होता था। सो हम मनुस्कृति एंड अर्थशास्त्र में कुछ पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट उन्होंने हमें बताए हैं कि वहाँ पर टैक्स सिस्टम जो है वो कैसा चलता था। उनकी थ्योरी हमें ये बताती है कि किंग्स शुड कलेक्ट द टैक्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर एज वेल इनकम ऑफ द रेफरेंस सब्जेक्ट्स, कि उनकी जितनी इनकम होती है, जितनी इनके एक्सपेंडिचर होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही टैक्स पे करना चाहिए। बट जिन पर टैक्स लागू होता है उन्हें ये बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए, उन पर कोई टैक्स का बर्डन नहीं होना चाहिए कि हमें टैक्स देना पड़ रहा है। सो उनकी जो पॉलिटिशियन थी, जो टैक्स लेने की जो राजनीति थी, वो इस प्रकार वर्क करती थी। ओवरऑल इंक्लूजन इसका ये है, टाइम पर अब क्या हो रहा है कि 8%, 10%, 12% टैक्स कलेक्ट किया जाता है, लेकिन पिछले टाइम पर 1/5 ऑफ द पर्सन हु एंगेज इन सम काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस दे इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एशियंट टाइम टैक्स सिस्टम इन इंडिया। सो दिस इज द part 1। आई नो इन फ्यू मिनट्स वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड इन ब्रीफ इन एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड द नोट्स दैट आई नोट डाउन इन माई नोटबुक। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर क्लासमेट्स, एंड Best of luck for the exams. So guys, this is the chapter history of income tax in India, and I just take this part in and write in 2.5 pages of my notebook.